हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं MP PEG 2021 के बारे में। आज हम स्टूडियो में MP PEG 2021 के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ MP PEG 2021 के सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन MP PEG 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर MP PEG 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी न्यूज़ उसके रिगार्डिंग आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं MP PEG 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर जो है google.com ओपन कर लेना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा MP PEG 2021, और उसके आगे आप लोगों को लिखना है cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको MP PEG 2021 की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है जानने को मिलेगी। आपको सिंपली आगे cet.co.in लिख के गूगल में सर्च कर लेना होगा। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा MP PEG 2020 एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम डेट एलिजिबिलिटी, आपको उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको MP PEG 2021 के रिगार्डिंग फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पेज पे जानने को मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले MP PEG का हमें यहाँ पे जो है फुल फॉर्म बता दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, या तो फिर उसे जो है MP व्यापम भी कहा जाता है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो MP PEG का फुल फॉर्म है, और उसका एक और नाम से जाना जाता है MP व्यापम। और अगर किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट को BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc हॉर्स या BTech या फिर BTech अगर समझ लिया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज में अगर एडमिशन चाहिए किसी भी मध्य प्रदेश में किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए उन्हें जो है MP PEG का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना होगा, तो वो जो है एलिजिबल हो पाएंगे मध्य प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को, BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc हॉर्टिकल्चर, BTech या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने को। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे MP PEG हाईलाइट्स के बारे में। सो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। फिर टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो UG लेवल है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम PG स्टेट लेवल है। कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग साइंस और एग्रीकल्चर के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी आपको यहाँ पे बता दी गई है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या तो फिर MP व्यापम। इसका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन मोड कंडक्ट किया जाता है, ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है सबमिट करना रहेगा। एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा या पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 घंटे का टोटल टाइम दे दिएगा आपको, 3 घंटे पूरे तो जो पेपर है आपका पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लास्टली ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है MP PEG 2021 की। अब जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिखाई देगा। सो गाइस, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च में रिलीज होगा, और जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग डेट है वो अप्रैल में आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जो है आपके अप्रैल के एंडिंग में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो गाइस, MP PEG 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उतनी ज़्यादा सावधानी और जो अलर्टनेस रखने की ज़रूरत है आप लोगों को एप्लीकेशन का फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती करते, कोई भी मिस्टेक करते या अगर फेक डिटेल्स भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। और उसी के साथ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस तरह से जो उसमें डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, और उन्हें ये भी नहीं पता किस साइज़ में किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो किसी भी साइज़ और किसी भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाता, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, क्योंकि हम आगे जो है MP PEG 2021 के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ किस तरह से डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करना है, कितने KB पे सेव करना है, कौन से फॉर्म में अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, आप जो है बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, साथ ही साथ जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ है जनरल कास्ट के लिए और 250 रुपीज़ है रिजर्व कास्ट के लिए। आप एप्लीकेशन फ़ी डायरेक्टली ऑनलाइन मोड भर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू।
तो गाइस अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में से आप जो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, आपको जो है इसका एग्ज़ाम देने दिया नहीं जाएगा। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट्री के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स के हिसाब से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस आप लोगों का जो पेपर है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला है, पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का पेपर एग्जाम होगा। जो आपका पेपर है टोटल दो सेशन में डिवाइड कर दिया गया है और आपको टोटल तीन घंटे दिएंगे। तीन घंटे में आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। जो आपका पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में आप लोगों को मिलेगा। दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप पेपर ले सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चंस की, तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपको जो दिए जाएंगे और एक मार्क्स दिया जाएगा हर एक सही आंसर पे, और गलत आंसर पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका मार्क्स माइनस नहीं किए जाएंगे। और सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट हर एक कोर्स के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और तीनों में से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वही बीएससी एग्रीकल्चर और उसी के हिसाब से बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर बीएससी फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर 1 एग्रीकल्चर 2 प्लस एग्रीकल्चर 3 तीन पेपर होंगे। पर जो 1 होने वाला एग्रीकल्चर 1 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 और 3 में मिला के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे सिलेबस की। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फुल डिटेल सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। एमपीपैट 2021 के सिलेबस का हर एक पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट को कोर्स के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज जो आपको वहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा, या तो सिंपली जो अपना 11th और 12th का सिलेबस भी जो है उसे भी रिफर कर सकते हैं। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी के लिए आप जो अपना 11th 12th का सिलेबस भी जो है प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस एमपीपैट 2020 का जो 21 का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर से वापस भेज दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ा जो इशू फेस होता है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कब एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ, कब उसकी डाउनलोडिंग डेट जो है एंड हो चुकी है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा है, इसलिए आपको सिंपली हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ हो तो हम तुरंत अगले ही पल आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। और साथ ही साथ आपको वीडियो में ये भी बता देंगे कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रिजल्ट के बारे में। सो गाइस एमपीपैट का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उसको चेक करने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा हम तुरंत अगले ही पर उसके वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे कि जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ रिजल्ट चेक करने की जो लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसकी मदद से आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को एमपीपैट 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट होता मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली और वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।